लोगों से आवाज निवेदन करी हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली जनपद कुशीनगर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी में भी बहनों भाइयों आपने जो उत्साह दिखाया है और दिखा रहे हैं, भारी संख्या में कमल के फूल के लिए आपका जो उत्साह है यह हमें आनंदित करता है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये मंच इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया है कि आपका जो ये पसीना है इसका हम लोग विकास करके इसको रिटर्न करके आपको वापस करेंगे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद कुंवर आरपीएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और माननीय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय जी, स्थानीय विधायक श्री मोहन वर्मा जी, रामकोला के विधायक श्री विनय गौड़ जी, मनीष जायसवाल जी, विवेकानंद पांडे जी, पूर्व विधायक पवन केड़िया जी, सत्य प्रकाश सिंह जी, वयोवृद्ध नेता गौ सेवा आयोग के हमारे उपाध्यक्ष अतुल सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाही जी, चुनाव प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, चुनाव संयोजक अवधेश सिंह जी, विनय जायसवाल जी, राजेश्वर सिंह जी, संजय सिंह मुन्ना जी और भारी संख्या में उपस्थित पटरोना, कुशीनगर, हाटा, खड्डा, रामकोला के मेरे सभी बहन और भाइयों, सचमुच आज आपने इस भीषण गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए समय निकाल करके जो उत्साह दिखा रहे हैं इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है, कल सायंकाल प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। इसके बाद परसों केवल आप घर घर संपर्क कर पाएंगे और 1 जून को मतदान होना है। अब तक मुझे देश के अंदर 12 से 14 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, जहां कहीं भी जाता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर नारा गूंज रहा है और वो नारा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार का जब नारा लगता है तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। वह तो कुल 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 60 में भी 5 सीट ऐसी हैं जो एक ही परिवार, एक ही खानदान, सिफाई खानदान की है। बहनों और भाइयों, जो हम लोगों से पूछते हैं
भाई ये 400 पार कैसे होगा बताओ। तो जनता जनार्दन जवाब देती है, कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जनता जवाब दे देती है। बहनों भाइयों, ये कुशीनगर जनपद साक्षी है। हम नारा लगाते थे 1985, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 लगातार 2019 तक नारा लगता रहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर, रामलला हम आएंगे मंदिर वही। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर के मार्ग में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, सब बाधा बनती थी, बैरियर बनती थी। और जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी को, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रदेश में मुझे अवसर मिला, एक झटके में सारी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। बहनों और भाइयों, रामलला का भव्य मंदिर आज तो हम लोगों के लिए कहने के लिए है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह पाएंगे कि देखो राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है। और मैं तो कहता हूं जिसने कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह दावा पाल ठोक करके कहे कि हमने राम मंदिर का निर्माण किया है। ये सच है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी को श्रेय जाता है। लेकिन मोदी जी की ताकत और योगी जी की ताकत तो आप ही है ना। जब आप कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं, हमारा सांसद और विधायक चुन के जाता है, तो बहनों भाइयों यही सांसद हमारी ताकत बनता है, यही विधायक हमारी ताकत बनता है, और उसके बल पर तब विकास भी आता है। तो लोक को तो ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन लोक के बाद परलोक भी जाएंगे तो पूर्वजों को ही बोलेंगे कि देखो राम मंदिर आपका संकल्प था, आप जीते जी नहीं देख पाए, हमने राम मंदिर का निर्माण कर लिया है, अब परम राम की कृपा आप पर भी, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने संकल्प की पूर्ति, आपके संकल्प की पूर्ति करके आया हूं। चलो भाइयों, आज एक नया भारत हमारा बन रहा है, एक नया भारत, सम्मान दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, पूरा पंडरौना, पूरा कुशीनगर जनपद आज उमड़ रहा है हाटा में, एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई त्योहार हो, त्योहार की तरह उमड़ रहा है। बहनों और भाइयों, यही लोकतंत्र का पर्व है। दुनिया वालों देखो कैसे लोकतंत्र होता है, ये हाटा में इसका नजारा है। देखो आपकी देखा देखी, आपके जन सैलाब को देख करके सूर्य देव भी कृपा कर रहे हैं और वह भी छाया करने लग गए हैं। बहनों भाइयों, मैं तो केवल आपसे यही कहने के लिए आया हूं, देखिए आज देश का नजारा बदल चुका है। पडरौना फोर लेन की सड़कों से पूरी तरह जुड़ चुका है। बहनों भाइयों, इस जनपद में मेडिकल कॉलेज बने, ये पहले एक सपना था लेकिन आज हकीकत है। अरे आप ही के साथ के लोग हैं, रेला जो है आप ही को मिलने के लिए आ रहा है। आप पहले आ गए हैं तो आपको कुर्सी मिल गई, छाजन मिल गया, पीछे वालों को बेचारों को भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पंडाल भीड़ के नाते छोटा पड़ता जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, हो गया है, एयरपोर्ट बन गया है,
कुशीनगर इंटरनेशनल टूरिज्म का एक नया स्पॉट बनकर के उभरा है और यहाँ की गन्ने की मिठास एक बार फिर से दुनिया के मंचों पर जाकर के कुशीनगर को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं कहने के लिए, याद करिए, एक तरफ मोदी जी ने भारत की कायाकल्प की, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जनपदों के विकास के लिए उपलब्ध करवाए और दूसरी ओर भाई उन लोगों को थोड़ा आने दो, इधर इधर कहीं उनको सिर ढकने के लिए कोई छाया मिल जाए तो अंदर अंदर आने दो उनको, दोनों तरफ अंदर अंदर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि गर्मी तो बहुत है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कह रहा था, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा, सम्मान, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, और दूसरी तरफ आपका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा, याद करिए, पडरौना में डोल मेला लगता था और जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती थी या तो समाजवादी पार्टी की सरकार रोक लगा देती थी और अगर वहां के कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह, विनय जायसवाल, ये लोग अगर वहां पर डोल मेला निकालने का प्रयास करते थे, पूरे पडरौना वासियों को उठा करके तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार बंद कर देती थी, हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। ये हाटा में हर बार दंगा होता था, हर बार दंगा होता था। आपने पिछले 7 वर्ष में दंगा करते हुए किसी को देखा है क्या? आज कोई दंगा कर देगा क्या? आज कोई ढोल यात्रा रोक पाएगा क्या? आज कोई गौकसी कर देगा क्या? आज किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई सेंध लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर लगाएगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतेगा। उसे मालूम है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की कीमत अब जेल नहीं जहन्नुम होता है, जहन्नुम। उसे मालूम है अब रामलला ही विराजमान नहीं होंगे, अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। और इसीलिए आज कोई सुरक्षा पे सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं पटरो इस जनपद में कहने के लिए, सुरक्षा भी है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, पर्व और त्योहार भी आपके सकुशल संपन्न हो रहे हैं, हर प्रकार की जो आवश्यकता जहां की है उस कार्यक्रमों को हमें स्थापित कर रहे हैं। अभी तो हमने यहां पे गौतम बुद्ध के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी है। कृषि विश्वविद्यालय आपके जनपद में बनने जा रहा है। बहुत कम जनपद हैं जहां विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट ये सब एक साथ हो, उनमें से आपका पडरौना जनपद भी एक है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश का नया कुशीनगर जनपद है और इसलिए है क्योंकि आपने यहां पे अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर के भेजे हैं। ये लोग पैरवी करते हैं, प्रभावी पैरवी करते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। एक तरफ विकास के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ बांटो और राज करो के लिए कुख्यात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों और भाइयों, बांटो और राज करो, पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा, फिर जाति के नाम पर बांटने का कुत्सित प्रयास। ये आपस में ही पहले जाति में लड़ाएंगे और फिर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग इसको मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में कहा है का सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कई बार कह चुके थे, उन्होंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण का आधार
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति ही हो सकती है। आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है। लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को क्या हो गया, ये देश के विभाजन को आधार तैयार कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण की वकालत करके। और यही नहीं, एक तरफ मुस्लिम आरक्षण की वकालत ये लोग कर रहे हैं और दूसरी ओर इनके द्वारा जो बातें कही जाती, कह रहे हैं पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं, पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। तालिबानी शासन का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस या बाजार नहीं जा पाएंगी, बुरके में दुपक के उनको रहना पड़ेगा। एक तालिबानी शासन है, हम तालिबानी शासन भारत के अंदर लागू नहीं होने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है, भारत की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगी, भारत की व्यवस्था किसी शरीयत कानून से नहीं चलेगी। बहनों भाइयों, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आए तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अल्पसंख्यकों का खान पान, अरे जो आप खाते होंगे वही तो वो भी खाते होंगे, एक जगह में ठहर जाता है। और वह ठहरा होता है जब एक मुसलमान कहता है कि मैं गौ मांस खाऊंगा, गौ हत्या करूंगा, हिंदू वहां पे अड़ जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी। बोलता है ना कि आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को गौ हत्या करने की छूट देंगे क्या? अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य लगा है, जो पुण्य प्राप्त हुआ है, ये पाप में बदल जाएगा। आज जो परिवर्तन भारत के अंदर आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन इसलिए क्योंकि आपके वोट ने परिवर्तन किया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। और बहनों और भाइयों, सरकार के आने के बाद जो पुण्य प्राप्त हो रहा हो सब आपके खाते में जा रहा है, आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगी, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। दुबे जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है, बनाएंगे। हाटा, कसिया, पडरोना, खड्डा, रामकोला, ये सभी लोग मुझे एक साथ हाथ उठा करके बोलो, पूरे जिले में आपकी आवाज जानी चाहिए, लखनऊ और दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। दुबे जी चुनाव जीत करके जाएंगे, भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। कल और परसों दो दिन आप घर घर संपर्क कर सकते हैं, करेंगे। दोनों दिन कितने लोग हैं जो 25-25 घर में जाकर के कमल खिलाने के लिए जनता से अनुरोध करेंगे? वाह भाई, आप सभी लोग तैयार हैं। बहन और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इतनी भीषण गर्मी में आपने जो उत्साह दिखाया है और जो उत्साह दिखा रहे हैं, अभी देखो मेरी इच्छा थी यहां पर एक घंटा और रहने की, लेकिन बहनों और भाइयों क्या करूं, आज मुझे 5 कार्यक्रम करने हैं लगातार। यहां से अभी भाटपार जाना है रविंद्र कुशवाहा के लिए, फिर बांसगांव जाना है, फिर गोरखपुर में भी जाना है, फिर एक जगह और जाना है, फिर रोड शो करना है, बड़ा कार्यक्रम है। अन्यथा मैं आपके पास तो कुशीनगर को हम लोग बार बार आते हैं, फिर आएंगे। बस आपसे अपील है, ताकत लगाइए, दुबे जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। बनाएंगे ना, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा ना। तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।